हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रॉयल एसी वर्ल्ड। एक बार फिर आपके साथ टेक्निकल वीडियोस, टेक्निकल नॉलेज लेकर आया हूँ। तो आज मैं बात करूँगा इन्वर्टर, वोल्टास इन्वर्टर एसी के बारे में। वोल्टास का इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, इसमें E8 एरर पर आज मैं बात करूँगा कि वोल्टास के इन्वर्टर मॉडल में E8 एरर किस वजह से शो करता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो ये है स्प्लिट एसी E8 एरर। E8 ये एरर कम्युनिकेशन का है, यानी इसमें किसी भी तरह का कम्युनिकेशन जब टूट जाता है, इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन वायर जब ब्रेक होता है, या PCB में कोई जैक लूज़ हो जाता है, या आउटडोर के कनेक्शन में रस्ट आता है, तो इस वक्त ये स्प्लिट एसी E8 एरर शो करता है। तो आपको इसके कनेक्शन चेक करना है। ये है इसके इंडोर के कनेक्शन, न्यूट्रल लाइन, CP, ये तीनों भी कनेक्शन आपको अच्छी तरीके से इसके चेक करना है। और आउटडोर में भी जो PCB होता है उसमें भी आपको इसके कनेक्शन चेक करना है कि कहीं कोई कॉन्टेक्टर कनेक्टर लूज़ तो नहीं है। तो अभी हमने ये तीनों वायर की हमें कंटिन्यूटी लेना है, कंटिन्यूटी मीटर से हम टेस्ट करेंगे। ये क्लैंप मीटर में कंटिन्यूटी पर हमने इसे डाला और अब हम इसके आउटडोर में भी ये वायर निकाल कर हम एक एक टच करेंगे और इसका कंटिन्यूटी लेंगे। तो इसमें जो रेड वायर है वो ब्रेक हो चुकी है, तो इसका जो प्रॉब्लम था वो इसकी एक वायर ब्रेक हो चुकी थी। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा केबल थी, इसीलिए हमने इसको एक केबल को कनेक्शन किया और हमारा एसी वर्किंग में आ गया। तो ऐसी टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल रॉयल एसी वर्ल्ड को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।